हेलो नमस्कार तुम सब लोगों में मित्र बे पहला तो कैसा तुम ठीक ठाक नला ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रहा है मेरे माइक पे। तो आप सब लोगों को पता है कि मैं माइक पे आ गई थी और इस सुहानी मौसम से हो रही है ब्लॉगिंग स्टार्टिंग और 7 बजे से हो रही है। तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा हो रहा था सुबह का मौसम। मेरा नाश्ता बन चुका है और मैंने नाश्ते में बना रखा आज मैक्रोनी, तो मैं मैक्रोनी खाती हूँ फिर करती हूँ काम। और यहाँ पे चला रखी मैंने आग, आग सेकते सेकते करते हैं नाश्ता। सो गाइस मेरा नहाना धोना भी हो गया है, अब करते हैं दिन के खाने की तैयारी। तो दिन के खाने में क्या बना रही करके मैं आपको दिखाती हूँ। और मौसम की बात करें तो काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है और आपको दिखाते हैं कैसा हो रहा है करके मौसम। देख ही सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रहा है और कितनी अच्छी धूप आ रखी है। और हमारे गाय बच्चे लोग बाहर भी हैं जो धूप देख रहे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा हो रहा है मौसम भी। गाइस मेरे दिन के खाने बन रहे हैं आज हरी सब्जी, जो मैं सूखा वाला बनाऊँगी हरी सब्जी। और पहले मैं खाती हूँ संतरे, पहले संतरे खाती हूँ फिर सब्जी खाती हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने सब्जी भी काट दी है, ये काली लाई, लाई की सब्जी काट दी है मैंने। ये लाई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, आप सभी लोगों को मतलब आप लोगों को पता ही होगा जो गांव में रहते होंगे, ये काली लाई काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने वहाँ पे जला दी है आग और मैंने कढ़ाई भी रख दी है। अब मैं सब्जी डालती हूँ फटाफट से, फिर चावल रखते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। तो गाइस मेरा बन गया है टब की भात, तो गाइस मेरा बन गया है टब की भात। जिसको खाना है आ जाओ, और काफ़ी टेस्टी बना है देख ही सकते हैं आप लोग। तो मैं खाती हूँ फटाफट। मैंने अभी बना रखे ये झाड़ू, तो कल से इससे झाड़ू लगाऊंगी मैं। तो कुछ कैसा हो रखा करके आप बताओ, बताना मतलब तो कैसा हो रखा करके आप लोग बताना, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ अंदर, तो अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। तो देखते हैं क्या बनाते हैं रात के खाने में। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।